सिर मुड़ाते ओले पड़े, ये कहावत है जिसे हम सभी जानते हैं और समझते भी हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को नहीं मालूम। लेकिन पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर यह कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है। पहले FATF में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ी, उसके बाद पूरी दुनिया ने पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान की थू-थू की, उसके बाद पाकिस्तान का साथ सिर्फ और सिर्फ चीन ने दिया, बाकी पूरी दुनिया एक साथ भारत के दुख में शामिल रही। पुलवामा हमले के बाद भारत ने विश्व पटल पर पाक की पोल खोलते हुए सबसे पहले मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीन लिया। फिर पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर 300 से 400 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा कि हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन बाद भारत ने पाक के F-16 लड़ाकू विमान मार गिराए और एक का पीछा करते हुए भारत का विमान पाक अधिकृत कश्मीर में गिरा, जहां पर भारत का एक विंग कमांडर पाक सेना ने पकड़ लिया। भारत के वापस नहीं मांगने के बावजूद पाकिस्तान ने विंग कमांडर को वापस किया। ये मोदी सरकार का ही डर और खौफ था कि पाक थर थर कांपने लगा। उसके बाद कई और मुश्किलों का सामना पाक और पाकिस्तानी कर रहे हैं। अब एक और मुसीबत पाकिस्तान के सामने मुंह बाए खड़ी है और वो है पाक क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का आमना सामना। यहां पर भी पाकिस्तानियों की झूठ की पोल खुली और भारत को पाकिस्तान पर जीत हासिल हुई। मामला पुराना है जिसका रिजल्ट अब जाकर आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा कि PCB ने ICC की विवाद समाधान समिति में मुकदमा हारने के बाद BCCI को मुआवजे के रूप में $16 लाख की राशि दी है। मनी ने कहा कि हमने मुआवजे के मामले में लगभग $22 लाख खर्च किए जो हमने गंवा दिए। मनी ने आगे कहा कि इस मामले में भारत को भुगतान की गई राशि के अलावा अन्य कानूनी फीस और यात्रा से संबंधित भी खर्चा हुआ। एक बात हम आपको बताते चलें कि PCB ने पिछले साल BCCI के खिलाफ ICC की विवाद समाधान समिति के समक्ष लगभग $7 करोड़ के मुआवजे का दावा करते हुए मामला दायर किया था। PCB ने BCCI पर दोनों बोर्डों के बीच समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं करने का मामला दर्ज किया था। इस समझौते के मुताबिक 2015 से 2023 तक भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 6 द्विपक्षीय श्रृंखला में खेलना था, जिसे BCCI ने नहीं माना और इसी पर ICC ने फैसला भारत के पक्ष में सुना दिया, जिससे पाक क्रिकेट बोर्ड को गहरा धक्का लगा। एक बात और बताते चलें कि पाक अर्थव्यवस्था का इस वक्त बुरा हाल है और उससे भी बुरा हाल पाक क्रिकेट बोर्ड का है। एक एक पाई के लिए मोहताज, जो अपने क्रिकेटरों के लिए बकाया पैसे का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा है। उसको एक ही बार में $22 लाख का जबरदस्त झटका लगा है, ये किसी सदमे से कम नहीं है। हर पाकिस्तानी साग सब्जी की आसमान छूती महंगाई को लेकर रो रहा है और हर तरफ चीख पुकार मची है। ऐसे में पाकिस्तानियों को सदमे पे सदमा या झटके पर झटका लग रहा है और भारत के हर झटके को झेल नहीं पा रहा है।